सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भला पहलाद। मैं ज्योति नेगी उत्तराखंडी फ्रॉम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड फकोट से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योति ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन के साथ, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे। तो दोस्तों, 6 बज चुके हैं और देख सकते हैं आप हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है, और आज के ब्लॉग की थोड़ा लेट हो रही है। तो सबसे पहले मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल यू एंड योर फैमिली। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नए साल की, और नए साल में आप लोग खूब तरक्की करें, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियां आए और आप हमेशा खुश रहें, यही दुआ है मेरी आपके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अंशु अभी खेलने पे लगा है, इसको ठंड भी नहीं लग रही, और आज मौसम सुबह से बिल्कुल ख़राब चल रहा है, बहुत धुंध लगी थी सुबह से और ठंडा हो रहा है आजकल बहुत। क्या करे हो आप? लो अंशु बोल दो विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर। क्या ड्रामा करने में लगा है। तो आज मेरी ना थोड़ी तबीयत भी खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे वॉमिटिंग सी हो रही है और अजीब सा बिल्कुल मन अजीब सा हो रहा है आज, बेकार सा। तो आज नया साल भी है, मैंने कहा ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है, तो हमारे पहाड़ी किचन में बनने जा रही है स्पेशल डिश। तो चलिए चलते हैं पहाड़ी किचन की तरफ और दिखाती हूँ आपको आज नए साल में हम क्या क्या बनाने वाले हैं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन में, और देवर जी यहाँ पे पकौड़ियों के लिए आलू काट रहे हैं, और ये थोड़ी सी राई है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की पकौड़ी और राई की मिक्स और गाजर का हलवा। तो मैंने यहाँ पे गाजर रखे हुए हैं थाली में, तो मैं इनको पहले कद्दूकस करूँगी। अंशु यहाँ रोने पे लगा, और सासू माँ देख सकते हैं क्या कर रही है सासू माँ। चलिए दोस्तों, पहले मैं कद्दूकस कर लेती हूँ और आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये दोस्तों, मैंने गाजर भी कद्दूकस कर दिया है, तो एक थाली भर के हो गया। ये आधा किलो गाजर ले रखा है मैंने, और यहाँ पे एक किलो जो सॉरी दोस्तों, एक किलो है सॉरी दोस्तों। और ये यहाँ पे राई भी थोड़ी मोटी मोटी चॉप कर दी है हमने, और नीचे से इसमें आलू है। तो चलिए अब बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है और चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें 4 चम्मच घी डाल रखे हैं, और अब इसमें डालेंगे गाजर। तो देवर जी बनाएंगे, सामने देवर जी बैठे हैं, देवर जी बनाएंगे गाजर का हलवा। तो यहाँ पे हमारा घी भी गर्म हो चुका है अच्छे से, तो अब मैं इसमें गाजर डालने जा रही हूँ। तो अब इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे घी में। मम्मी को बोलता हूँ मेरे फोन पर चाचा लगा रहे, चाचा लगा रहे वहाँ पे लगाओ। देखो ये तो मैंने अच्छे से भून लिया है गाजर को घी में, और अब मैं इसमें 5 मिनट तक ढक्कन डाल दूंगी ताकि गाजर पक जाए। और अंशु सामने कार्टून देख रहा है, क्या है इलाज। और हाँ, और सासू माँ भी आ चुकी है दूध निकाल के, और शिवानी घास लेके आ चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर भी पक चुकी है, और सासू माँ ने इसमें चीनी डाल दी है, तो अब इसको थोड़ी देर चीनी में पकाएंगे। तो ये हमारे पहाड़ी स्टाइल में बन रहा है गाजर का हलवा। ये देख सकते हैं, पहले फुल कढ़ाई हो रखी थी, अब कम हो गया गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बाद है ना, मुझे कम ये मैगी एक एक कटोरी हो जाल सब खड़ी।
तो हमारा गाजर का हलवा अच्छे से पक चुका है और चीनी भी इसमें गल चुकी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं डालने जा रही हूँ इसमें अब 1 किलो दूध। तो इस भगोने में मैंने पहले से दूध रखा है, तो चलिए दोस्तों डालती हूँ मैं इसमें दूध। अब देख सकते हैं मैंने पूरा 1 किलो दूध डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा बच चुका है। गाइस बस टेस्ट करके दिखाओ कैसा है। थोड़ा और डाल दे, कम हो गया ना। थोड़ा बनने जा, हलवा खा लो। हैं हलवा खा लो, थोड़ा सा बचे जा वैसे खाते। और गाइस क्या बना बहुत अच्छा था। उठना जानवर लास्ट में मिलते। तो अब इसको 10 मिनट तक दूध में भी पकने देंगे। तो हमारा गाजर का हलवा भी पक के तैयार हो चुका है और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने कटोरी में पहले से काट दिए थे। चार बनाना। सात। और अब बनाने जा रहे हैं हम पकौड़ी और आलू और राई की। तो हमने परात में डाल दिया है इनको और मिक्स करके बनाएंगे। तो सासू माँ यहाँ पे पहले मसाला ऐड कर लिया इसमें। अरे धड़न का नए तरीके से बन रही है आज की पकौड़ी। मसाले भी ऐड कर दिए सासू माँ ने इसमें। और अब डालने जा रही है इसमें हर लाल मिर्च और नमक डाल दिया। नमक डाला और इसमें 3 चम्मच डालेंगे हम ये नमक। और यहाँ पे देवर जी लोग कल का ब्लॉग देख रहे हैं और ऐसे यहाँ पे डांस कर रहा है। तो अब इसमें डालेंगे हम बेसन। तो ये हमारे पहाड़ी तरीके से बन रही है आज की पकौड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ से पापा ये तो देख रही। और इसको देखो, इसका डांस देखो यार, अपने पापा के गाने सुन के नाच रहा है। अंशु कहाँ है पापा? पापा कहाँ है अंशु? पापा इधर है। तो हमारे पापा रियल था। तो यहाँ पे पकौड़ियों का मसाला भी तैयार हो चुका है और बेसन में अच्छे से घोल दिया है सासू माँ ने आलू और राई को। और सामने कढ़ाई भी चूल्हे पे चढ़ा दी है। तो अब बनने जा रही है हमारी पकौड़ियाँ। तो मेरे छोटे वाले देवर जी बना रहे हैं पकौड़ी। रुक जा रुक जा, आप नहीं खरो, आप नहीं खरो अगुनल। क्या ला खाजाल जान, ये बेसन जान कितने दिन? ड्राइवर सिंह है, वो ड्राइवर सिंह। वो क्यों ले? सास मावल प्लेट गुआ आगू। आगू है? चाली हाँ? वो चाली पान दे रहा है तू और। क्या कर रहा है बेटा? वो टाइम है जब तू कहती है गुआ चाली। सास मावल गुआ आगू। क्या कर रहा है तू गुला?
उसको वहां रख। क्या तो हमारी फर्स्ट वाली पकौड़ी बन के हो चुकी है तैयार। देख सकते हैं देवर जी ने कुछ ज्यादा ही बड़ी बना दी है। पर तो लगे ये देवर जी की पकौड़ी पर लगा रहे हैं। देवर जी काम कर रही है। अच्छा पकौड़ चाहिए। रुको गुलू आप जो चुवाला पार मैं तो नहीं चढ़ा लिया। रुको ले ले पकड़ो ले पकड़ो ये भी निकाल देना। मैंने अच्छा ही ना ना जान नमक ना डाल छी ना ठीक है क्या गरम है। गरम है वो कलाकारी दिखाती हुई क्या है अंशु रुक जा। पूरा डाल दे पूरा सर सार के डाल दे। नाना ये दिखाना ये कला कार्य हो क्या है ना वाला आप की बोल 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 देवर जी की कलाकारी देख सकते हैं। तेल में हाथ जला रहे हैं। भाभी तो कजियाल बोलो सब वाले। भाभी ये बोले एक नहीं तो कजियाल बोलो। नहीं जो ना ये नहीं कदा ना उनको ना आते रहने तरह नहीं देख सकते नहीं देख देख यार ना कोई देर देर डूबे यार हम कर देना ना वो खाती बन चल कोई दो तीन लोग ने तो तू करते दिखो ले तेरा हाथ बनने ना। मैं पर नहीं बेटे तू कर ले की बैठी तेरे दारा हाथ पे जा ले एक्सेस दे और डाल दे मस्त यार भाई। हां कलाकारी होती है कलाकारी है इतना कट है ये सब यार। तू कहां का सैप है ऐसे बता तू। तू डाल के दिखा फिर मैं डालूंगा। जाए कहीं बड़े अंडर वर्ल्ड में मत पड़ जा भाई आज हो जा पकोड़ा मोड़ में अब हो जा सच्ची समझी मार दे बेटा कमेंट। तो हमारी चाय भी बन चुकी है और अब करने जा रहे हैं हम सब लोग डिनर। तो सासू माँ देंगे चल दिया नहाने से उबाल देने में अजवाइन वाल से हाँ शो ची बस चलो अंशु तो मेरी थाली हो चुकी है लग के तैयार और सासू माँ औरों को दे रही है यहाँ पे चाय भी दिया। चाय नहीं दी तो बोल बता चलो गुली चलो गुली अंशु गुड नाइट बोला गुड नाइट बोल दो चाचा को भी बोल दे बाय चाचू की बाय भी कर दो बुआ को भी बोल दे गुड नाइट बुआ आ जाओ आ जा। तो हे दोस्तों मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ डिनर करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत धुआं लग रहा था और वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही थी। तो वो हमारा मिट्टी वाला कमरा है वहाँ पे हम आग जलाते हैं इसलिए धुआं धुआं हो रहा था। इसलिए मैं यहाँ पे आ गई अपने रूम पे और देख सकते हैं ये है मेरी डिनर की थाली और अंशु भी है मेरे साथ। तो अंशु के पापा तो है नहीं। अंशु के पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग। काश वो भी होते तो हम एक साथ नया साल मनाते लेकिन क्या करें ड्यूटी जाना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए तो दोस्तों अब करते हैं हम डिनर और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देती हूँ मैं। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ में मेरे चैनल पे जो नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। ये।